हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय माता दी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आई टॉट यू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट में मैंने दोस्तों आप लोगों को व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ और हू तक पढ़ाया था। सो टुडे आई विल टीच यू विच, हाउ मेनी एंड हाउ मच। दोस्तों विच, हाउ मेनी एंड हाउ मच, विच कौन सा या कौन सी, हाउ मेनी कितने जिसे काउंटेबल कर सके हम, और हाउ मच कितना जिसे हम काउंटेबल नहीं कर पाते। इसके बाद हमें क्या यूज करना है दोस्तों, नाउन। नाउन के बाद हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और एट द लास्ट हमें पी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क। अगेन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, नाउन, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने पढ़ करके। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस हिंदी में कैसा होगा। जैसे वह संडे को कौन सी मूवी देख चुका था, कौन सी मूवी या देख चुका था। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कौन सी और कौन सी के साथ वाला जो सेंटेंस आएगा उसको हमको अंडरलाइन कर लेना है और एक साथ ही लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, विच मूवी, ओके, विच मूवी। अब इसमें से क्या है, विच ले लिया, हाउ मेनी हाउ मच हम छोड़ देंगे, नाउन तक हो गया हमारा। इसके बाद हमें हैड लेना है, विच मूवी हैड, और सब्जेक्ट क्या है, वह ही, और देखने के लिए वॉच्ड। अब संडे को के लिए क्या करेंगे, ऑन, और संडे का संडे लिख देंगे एट द लास्ट। सो आवर क्वेश्चन इज, या ट्रांसलेट इज रेडी, वी कैन जस्ट रीड इट, विच मूवी हैड ही वॉच्ड ऑन संडे। ओके, ये तो था दोस्तों हमारा विच का। हाउ मेनी, वे लोग कितने घंटे, वे लोग कितने घंटे पार्क में क्रिकेट खेल चुके थे, क्रिकेट खेल चुके थे। ओके दोस्तों, अब हमें देखना है कितने कितने, ये मिल गया हमें, ये अंडरलाइन कितने में कर लिया, और हमें फाइंड करना है नाउन। तो कितने घंटे, ये हो गया साथ में, यानी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड डियर माय स्टूडेंट्स कि कितने के साथ में जो सेंटेंस आएगा वो हमारा नाउन होगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या लेते हैं, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, ओके, वे लोग हैं तो हैड दे, हैड दे, और फिर क्या बचा, खेलना, प्लेड, क्या, क्रिकेट, अब कब, इन द पार्क। और अच्छे से क्रिकेट लिख देते हैं दोस्तों, इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क। एक बार चेक कर लेते हैं, हाउ मेनी आवर्स हैड दे प्लेड द क्रिकेट इन द पार्क। ये भी हमारा सेंटेंस हो गया, बन के तैयार हो गया। अब लास्ट हमारा क्या बचा, हाउ मच, कितना, वह क्लास में कितना पैसा दे चुका था, क्वेश्चन मार्क। सो फर्स्ट क्या करना है, हमें कितना के साथ जो सेंटेंस आया उसे हमें अंडरलाइन कर लेना है, कितना पैसा, हाउ मच मनी,
हाउ मच मनी, वह है तो क्या यूज करेंगे, हैड ही गिवन यू, यू नहीं है दोस्तों, है ना, हाउ मच मनी हैड ही गिवन इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं सेंटेंस कैसा है हमारा, हाउ मच मनी हैड ही गिवन इन द क्लास, एंड एट द लास्ट हमें क्या लगाना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। सो दोस्तों ये हमारे थे सेंटेंसेस विच, हाउ मेनी, हाउ मच। अब हमें क्या करना है, देखते हैं सेंटेंस का आंसर देते हैं। विच मूवी हैड ही वॉच्ड ऑन संडे, ही हैड वॉच्ड आरएस मूवी ऑन संडे, अगेन विच मूवी हैड ही वॉच्ड ऑन संडे, he had watched RSCC movie on Sunday. Next, how many hours had they played the cricket in the park? How many hours had they played cricket in the park? So they had played cricket 1 hour in the park. The next, how much money had he given in the class? How much money had he given in the class? He had given rupees 2000 in the class. Now we should just think about the sentences. अब हम इंग्लिश में ही सेंटेंस को सोचते हैं, ओके? Which mobile had you sold? I had sold my old mobile. Next, which country had they gone before 10 years? They had gone America before 10 years. In how many we are just making the sentences? How many hours had she waited for you at the bus stand? She had waited for me at the bus stand for 10 minutes only. How many times had you cheated me? I hadn't cheated you in my life. You have some doubt, please clear it. Next, how many mein phir se? How many chapatis had he eaten in the party? He had eaten 10 chapatis in the party. Phir how much mein banate hain? How much blood had he donated in the hospital? He had donated some blood in the hospital for the patient. फिर एक बताते हैं, how much water had he drunk? Drunk. So he had drunk 2 liter waters. फिर question बनाते हैं दोस्तों, okay? Which color shirt had he selected for the party? ये बन गया हमारा sentence. Which door had she broken? ये भी बन गया हमारा हाउ मेनी में। हाउ मेनी मिनट्स हैड यू रेड न्यूज़पेपर, ये भी बन गया हाउ मच में। हाउ मच मिल्क हैड ही ड्रंक एट नाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई वीडियोज प्रॉपरली, माई टॉपिक प्रॉपरली, बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे, बिकॉज आई एम टीचिंग बाय सुपर वे, इजी वे। And thanks to support me by leaps and bounds. I always try to just teach by easy way. So dear students, keep watching Raj Sir YouTube channel, Raj Sir Delhi YouTube channel, and support this channel because I need your support. Thanks for today. I stop here and I will meet you in next video. Jai Mata Di.